सऊदी आना चाहे तो एजेंट से खरीदे वीजा कि किसी अपने आदमी से सऊदी में ले वीजा? अपना आदमी कोई हो उससे तो एजेंट कहाँ, एजेंट से ही धोखा कर देते हैं भाई, एजेंट धोखा करते हैं। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो बनने वाली है, सऊदी को कोई भी आदमी ऐसे आ जाता है बिना सोचे समझे, किसी एजेंट से वीजा ख़रीद लेता है, फिर इधर आन के फंस जाता है, फिर सोचता है कि यार अब इंडिया कैसे जाऊँ। तो आज ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, एक ऐसे ही बंदे से आज तुम्हें मिलवाने वाला हूँ जो सऊदी को आया बेचारा, पता नहीं वीजा एजेंट से ख़रीदा कि किसी आदमी ने उसको दिया, और उसे कितनी परेशानी है उठानी पड़ी है, ये मैं पूरा इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितना परेशान है, जलील है। करीबन उसे 5-6 महीने हो गए, लेकिन उसने बेचारे ने अभी तक 20,000 रुपये भी घर नहीं डाले। क्यों ना डालें, क्या वजह है, ये उसी के मुंह सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको तुम्हें आज। उससे पहले जुम्मे का दिन है आज, नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर उसके पास को जाते हैं इंशाल्लाह, उसके रूम पर देखते हैं क्या करता है वो। ये जामा मस्जिद है, यहाँ पर जुम्मे की नमाज होती है। ये पुलिस की गाड़ी आ गई, नमाज जो है हमने पढ़ ली है, अब चल रहे हैं इंशाल्लाह उस लड़के के रूम की तरफ, देखते हैं रूम पे है कि नहीं है। मैं सर रात बोल तो दिया था मैंने फ़ोन करके उसे, मन की मैं आऊँगा नमाज के बाद में। और उससे पहले भाई अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट शेयर जरूर करें यार। कोई अगर सऊदी से रिलेटेड कोई अगर सवाल हो तो कमेंट में लिखें, उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। गांव इनके रूम पे भाई साहब के, ये रूम इनका है, चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ये भाई साहब नमाज पढ़ के आए हैं, परहेज कर रहे हैं, परहेज पढ़ रहे हो रख रहे हो? ये इनका रूम है, रूम अच्छा है माशाल्लाह। इधर टेलीविज़न रखा है, ये फ्रिज रखा है, जो तीन आदमी भी फिट हो जाएंगे। ये हैं भाई साहब हमारे, कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। कितने महीने हो गए हुए? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। इंडिया में पैसे कितने डाल दिए तुमने? ये मैं डाल दिया होगा 1.5 लाख रुपए डाल दिया। 1.5 लाख रुपए 8-9 महीने में? हाँ। और ऐसा क्यों, कितने से सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पर? यहाँ पे मिल रही है भाई 1,000 रुपये सैलरी। 1,000 रुपये। तो ये सबसे पहले तुम कौन से सऊदी के दौरे थे? मैं पहले खबरा में था। खबरा में, वहाँ पर क्या, वहाँ से क्यों आ गए तुम? वहाँ फील अच्छा नहीं था यार। क्या क्या परेशानी आती थी वहाँ पर? वहाँ पे ज़्यादा ड्यूटी करवाते थे इस वजह। अगर कोई वीजा ले सऊदी आना चाहे तो एजेंट से खरीदे वीजा कि किसी अपने आदमी से सऊदी में ले वीजा? अपना आदमी कोई हो उससे तो एजेंट कहाँ, एजेंट से ही धोखा कर देते हैं भाई, एजेंट धोखा करते हैं। तो मतलब एजेंट से खरीद के वीजा ना आनी चाहिए किसी को भी? नहीं, अच्छा मिल जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं मिलता। मतलब अच्छा, 100 में 2-4 ऐसे होते हैं जो वीजा अच्छी मिलती है, ना तो जो धोखे करते हैं सब लोग। तो अभी यहाँ पर जब से यहाँ पर आए हो, यहाँ सभी सुविधा है कि यहाँ पे परेशानी पड़ रही है तुम्हें? नहीं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है भाई। चलो इंशाल्लाह, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है यार, चल रहा टाइम पास ठीक है यार, क्या करना। देखा आपने कैसे भाई साहब ने अपनी बात बताई, 9 महीने हो गए उन्हें, 9 महीने, और 9 महीने में कितने पैसे डाले? कुल 1 से 1.5 लाख रुपये उन्होंने। अभी आदमी इंडिया में इससे ज़्यादा कमा लेता है, 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेता है 9 महीने में आदमी। तो कहने का मतलब यही है, अगर सऊदी आ रहे हैं तो भाई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अगर आपका कोई अपना आदमी है सऊदी में उससे ज़रूर रابطہ रखें, मशवरा करें। अगर किसी कंपनी का वीज़ा ख़रीद रहे हैं तो कंपनी के बारे में आपको मालूम ज़रूर होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर तुम्हें बिल्कुल मालूम नहीं है, तुम्हारा कोई अपना बंदा है सऊदी में, उससे ज़रूर मशवरा कर लें कि भाई इस नाम की भी कंपनी है, इसमें क्या मतलब परेशानी है या क्या सुविधा है इसमें। अगर आपका कोई सऊदी में नहीं है तो हमारे चैनल पर सवाल कर सकते हैं, जवाब देंगे इंशाल्लाह उसका। और ना भाई साहब, अगर आप एक बार फंस गए तो आप फंसे रह जाएंगे, फिर रोने से अलावा कुछ नहीं। इमरान भाई से मैंने ऑफ कैमरा बात करी, उन्होंने अपने बारे में कई परेशानियां बताई, बोले ये परेशानी आती थी मुझे। जाहिर सी बात है, कैमरा चलता होता है तो हर एक कोई ज़्यादा परेशानी अपनी मतलब शेयर नहीं करना चाहता है।
जब सऊदी आए थे तो इनका कपिल दूसरा था। अभी करीबन 6 महीने उसके पास में रहे, 6 महीने के बाद में इन्होंने नकल कफाला लिया दूसरे के पास में। अभी जब यहाँ जब से यहाँ पर आए हैं तो इन्हें सकून है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन उसके पास में इन्हें बहुत ज़्यादा जलीलत उठानी पड़ रही थी और पैसा भी नहीं कमाता। करीबन 4-5 महीने इन्होंने कोई पैसा इंडिया नहीं डाला था। अभी जब से यहाँ पर आए तो ये बताया इन्होंने 1.5 लाख रुपये इन्होंने डाल चुके हैं घर में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।